हरियाणा के रोहतक के जसिया में शनिवार को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि हरियाणा सरकार ने यदि वायदे के मुताबिक की गई अपनी मांगे पूरी नहीं की तो जनवरी 2020 में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय व्यापी जाट आरक्षण आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा भाईचारा न्याय यात्रा भी निकाली जाएगी। यशपाल मलिक ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा वादे के मुताबिक जाटों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देने व जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस की मांग को पूरा नहीं किया गया है। अगर सरकार ने ये मांगे पूरी नहीं की तो जाट दोबारा आंदोलन करेंगे। मलिक ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन व शहीद रैली की तैयारी के लिए पूरे हरियाणा में भाईचारा न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से हरियाणा सरकार की वायदा खिलाफी को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 18 जनवरी 2020 को प्रदेश कार्यकारिणी का आयोजन कर भाईचारा न्याय यात्रा की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस यात्रा की समाप्ति के बाद जाट आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में 22 फरवरी 2020 को शहीद रैली होगी। वहीं 19 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक प्रदेश कार्यकारिणी राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से पहले समझौते में शामिल नेताओं को मांग पूरी करवाने के लिए कहा जाएगा, इसके बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उसमें क्या निर्णय क्या लिया गया? देखिए, आज जो हमारी मांगे थी, 6 मांगे, आंदोलन के केस वापसी, बीसीबी में रिजर्वेशन, धरनों के दौरान बैठे हुए लोगों के नौकरियां जो उसमें गुजर गए थे, और एसबीसी आरक्षण वालों की ज्वाइनिंग, और हरियाणा सरकार द्वारा 10% जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया उसमें भी धोखा दे रही है, उसमें उम्र की छूट का नोटिफिकेशन जारी करें, और प्रधानमंत्री जो है जो 26 मार्च को वादा किया था उसे पूरा करें। इसके लिए अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोगों ने देशव्यापी आंदोलन की तैयारी करनी शुरू कर दी है। आज यहाँ प्रमुख राज्यों के लोग यहाँ आए हुए, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उत्तराखंड है, पंजाब है, और राजस्थान के प्रभारी आए हुए हैं, क्योंकि वे रास्ते में हैं, अभी पहुंच जाएंगे। ये तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, मध्य प्रदेश के लोगों की ट्रेन लेट होगी, वे भी यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन शाम तक वे भी, उनसे भी बात हो जाएगी। हमने ये निर्णय लिया कि आंदोलन की शुरुआत फरवरी के लास्ट में संभव है, और उसकी तैयारियों के लिए, आंदोलन की तैयारियों के लिए 18 जनवरी को हरियाणा प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, और 19 जनवरी से भाईचारा न्याय यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी समाप्ति 22 तारीख को हरियाणा में किसी भी जिले पर शहीद रैली का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि 19, 20, 21 और 22 लगातार हरियाणा में 4 दिन शहादत हुई थी। 22 तारीख को बड़ा निर्णय लेकर उसी दिन से भी आंदोलन की शुरुआत हो सकती है, अगर तब तक मुद्दों पर कुछ हल नहीं होता या उसी दिन कोई ना कोई तय किया जाएगा। 31 तारीख से पहले सभी राज्यों में अपनी कार्यकारिणियों की बैठक आयोजित करके वे भी 22 तारीख को टारगेट मान के अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, और 31 जनवरी से पहले उनको सबको अपनी कार्यकारिणी तय कर वे भी अपना प्रचार शुरू कर देंगे, और जिला स्तर से और राष्ट्रीय स्तर तक जहाँ जहाँ संगठन कमजोर है उसको संगठन का पुनर्गठन कर लेंगे इसी 31 से पहले, और ये सारे काम करके आंदोलन की तैयारियों के लिए भाईचारा न्याय यात्रा की शुरुआत हो जाएगी 19 जनवरी से। तो भी रैली के लिए स्थान तय नहीं है? रैली के लिए स्थान तय करेंगे, रैली के लिए स्थान कहीं भी हो सकता है, वो 18 तारीख की जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है हरियाणा प्रदेश की, सब राज्यों में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है 31 जनवरी से पहले पहले, सब जगह आंदोलन की रणनीति, धरने कहीं होने हैं, प्रदर्शन होने हैं, क्या होने हैं उनकी रणनीति वे भी अब अपने प्रदेश में बना लेंगे। अगर हरियाणा के लोग आंदोलन शुरू करेंगे तो उसकी सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए दूसरे राज्य अभी के दिल्ली के भाइयों का एक सुझाव दिल्ली के भाई की दिल्ली के भाई की तरफ से मैं आपको सुझाव बता रहा है, मेरी तरफ से नहीं है, उनका ये कहना है कि हरियाणा के सब लोग, लगभग 25 लाख लोग से ज्यादा हरियाणा के वोटर रहते हैं बाहरी दिल्ली में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी लगभग 15 से 20 लाख वोटर रहते हैं, उनको जागृत किया जाए, जो भाईचारा इन्होंने यहाँ तोड़ा और जिस तरह से सब जातियों ने मिलकर सामूहिक रूप से काम किया है
उस तरह से वे सब लोग भी यहाँ जिले पे हम लोग कह रहे हैं कि ये लोगों की ड्यूटी लगाएं, उस तरह से सब जातियां साथ होकर इस बात को बताएं कि हरियाणा में भाईचारा तोड़ने वालों की नहीं चलेगी और दिल्ली में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब दिल्ली चुनाव प्रचार में ये सुझाव है, अभी मैं आपको बता रहा, ये आप इसको कह सकते हो कि लोग बाग इस क्योंकि जनवरी फरवरी में चुनाव है वहाँ, और हम आंदोलन की तैयारी भी इस दौरान कर चुके होंगे, तो हम लोग इसको नहीं कह रहे, लेकिन हम लोग भाईचारा न्याय यात्रा दिल्ली में भी चलेगी, वहाँ भाईचारे के नाम पर हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद दिल्ली के लोग क्या निर्णय लेते हैं ये अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में लेंगे, वे किस तरह से विरोध करना चाहते हैं। अच्छा, जो भाईचारा न्याय यात्रा इसके दौरान क्या लोगों को क्या बताया जाए, इसको गांव-गांव जाएंगे, ये 5-6 मांग कैसे पूरी नहीं हुई, क्यों सरकार इनसे पीछे भाग रही है, किस तरह से इन्होंने भाईचारा तोड़ने की थी। आज हरियाणा की परिस्थिति अलग है, आज हरियाणा की परिस्थिति वो सरकार नहीं है जो पहले सरकार थी, आज हरियाणा की सरकार बैसाखियों पर है, तो बैसाखी वालों से भी पूछा जाएगा कि क्या ये मांग पूरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। 18 तारीख को एक विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा कि किस तरह से ये सबको जवाबदेह बनाया जाए, इसमें जवाबदेह बनाने का काम है ये यात्रा, कि जो जनप्रतिनिधि हैं वे अपनी नीति स्पष्ट करेंगे, इसमें ये तय होगा 18 तारीख की मीटिंग। नहीं, आपने बैसाखी की बात कही तो क्या आपकी जेजेपी से कोई बात हुई है? नहीं, ये करेंगे, 18 तारीख को निर्णय लेंगे, जो भी 18 तारीख को हरियाणा के बारे में निर्णय होगा सब लोगों के पास जाएंगे। मैंने इसमें लिखा प्रेस रिलीज में कि जो लोग समझौते में बैठे थे, जो प्रमुख राजनीतिक दल है, उन सबके पास जाएंगे, क्या वे इन मांगों से सहमत है या नहीं, केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे, और जो दूसरे राज्यों के, जो उत्तर प्रदेश के या दूसरे राजनीतिक दल है। JBD banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD banquets enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।